हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो आज ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्केयरिंग। तो ये स्केयरिंग क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इससे क्या पर्पज़, किस पर्पज़ में यूज होता है? ये देखिए, हमारी मशीनों का 80 मशीनों का लॉट तैयार है इस महीने का, सितम्बर का। तो ये स्केयरिंग के बारे में चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं इससे क्या होता है। दरअसल ये काम आता है सोने का जो पट्टा बनाते हैं या मिलन बनाते हैं या कमल बोलते हैं वो बनाते हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है बनाने के बाद। तो उसको सीधा करने के लिए इसके अंदर डालते हैं, दोनों जो स्केयरिंग है बैरिंग है इनके अंदर डाल देते हैं, इधर से दाब लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं दाब को कम ज़्यादा जैसे करनी है, और इसके अंदर से निकाल देते हैं। तो इसके अंदर से निकालने से, घुमा के निकाल देने से क्या होता है कि पट्टा जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वो शेप में आता है, सही में सीधा भी हो जाता है, सही शेप में भी हो जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो टाइट हो जाता है ना। तो आपने देखा होगा चांदी वाले काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लूज है टाइट करो, तो उसके लिए भी एक जुगाड़ बनाया है हमने, वो दूसरा है। ये नहीं, ये ओनली गोल्ड के लिए है। किसी भी भाई को ये अगर स्केयरिंग खरीदना हो गोल्ड वालों को, तो नीचे नंबर मेरा फ्रेश हो रहा है नंबर पर मेरे को फ़ोन करके वो ये स्केयरिंग खरीद सकते हैं। और हाँ, अभी ये तो हो गया गोल्ड वाला पट्टी के लिए, टाइट करने के लिए, सीधा करने के लिए। अगर आपको सिल्वर का, चांदी का पट्टा टाइट करना है, वो कैसे करोगे? तो सीधी सीधी बात है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, वीडियो देखिए, उन्होंने दिया हुआ है कि लूज पट्टे को कैसे टाइट करें चांदी वाले को। और कोई भी कमेंट हो मुझे बताइए, और जिस भी किसी भी भाई को स्केयरिंग खरीदनी हो फ़ोन करिए, बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, 10,000 की भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। थैंक यू।